किसान साथियों, आज हम तुलना करेंगे तेहरा 235 और 0238 वैरायटी की। ये जो खेत है, एक ही दिन की बुआई है, एक खेत है, एक लागत है, सब कुछ एक है। और आप अंतर खुद देखेंगे आप 13235 का और 238 का, और इसके बारे में जानकारी लेंगे किसान भाई से। भाई एक बार अपना परिचय दें थोड़ा। हाँ, मोनू कुमार। हाँ जी भाई। हाँ, आपका परिचय? मोनू कुमार। गांव? अमीर नगर। डिस्ट्रिक्ट? मुजफ्फरनगर। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छे। तो भाई आपने नया बीज बोया आप 13235। हाँ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो भाई। एक ही दिन तो ये बोया था। अच्छा जी। ये 13235 और 38 एक दिन ही बोया था। ये देखिए सेम टाइम की बुआई है, इधर खड़ा है 238 ये बंधन लगा है आज, और ये तो लिया बंद। हाँ। और ये बराबर में खड़ा 13235। अच्छा जी, अब फिलहाल इसी कंडीशन देख लो। इसकी कंडीशन देख लो, एक ही दिन की बुआई है, सेम दिन की बुआई है, सेम लागत है, सेम खर्चा है, खाद पानी सब बराबर है, और अभी 13235 जो है इससे बहुत कम है, और लागत है बराबर, लागत बराबर आ रही। अच्छा जी, तो अब ये देखें साथियों, टीलरिंग देखें एक बार इस गन्ने की। आप गन्ने में तो काफ़ी मोटा ही है वैसे, तो ये देखें 13235 गन्ने की मोटाई तो नीचे से काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी लंबाई जो है 238 के मुकाबले काफ़ी कम है। तो मोनू भाई ये बताओ, ये जो 13235 है, क्या इस 38 का विकल्प बन पाएगा, टक्कर देगा इसे? मुश्किल लग रहा है। तो मुश्किल लग रहा जी, क्यों? क्योंकि जब इन्ना शुरू में नहीं टक्कर ली तो बाद में क्या टक्कर लेगा? नहीं नहीं, जैसे कह रहे रोग रोधी वैरायटी है, क्या ना, पता ना, ना, लास्ट तक चलो। रोग तो बहुत कम है इसमें। अच्छा, रोग तो 38 में ही ज्यादा है। इसमें तो रोग तो कमी बिल्कुल दिखाई नहीं। हाँ, रोग तो दिखाई दे नहीं रहा इसमें बिल्कुल, और बल्कि 38 में रोग दिखाई देने के बावजूद भी फिलहाल 38 जो है बंद चुका है, और ये भी बंद नहीं रहा। तो फिलहाल दोनों में ये अंतर दिखाई दे रहा, आगे जैसा भी होगा आपको लगातार वीडियो दिखाते रहेंगे, देते रहेंगे साथियों। और जो भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।